उज्जवल दिस ओनली नो ओके सो आई टोल्ड यू लास्ट टाइम कि इसको क्या करना है, हमको कन्वर्ट करना है इस फॉर्मूला में दैट 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट कॉस 2 थीटा, करेक्ट? तो अगर मैं इन दो टर्म्स को कन्वर्ट करूं टेन स्क्वायर थीटा में तो ये मेरा फॉर्मूला बन जाएगा कॉस 2 थीटा. इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस 5 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 प्लस 5 एक्स स्क्वायर. ओके अब सब्सटीट्यूट करो, पुट 5 एक्स इक्वल टू टेन थीटा, दिस इंप्लाइज थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 5 एक्स. ओके वैल्यू सब्सटीट्यूट करो, साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ cos 2 theta. Okay, now this is equal to sine inverse of sine pi by 2 minus 2 theta, which is nothing but pi by 2 minus 2 theta, which is equal to pi by 2 minus 2. Theta is tan inverse of 5x. Ab differentiate karo. Differentiate with respect to x. dy by dx is equal to d by dx of pi by 2 minus 2 is constant take outside d by dx of tan inverse of 5x. ये हो जाएगा 0, derivative of pi by 2 is 0 minus 2, derivative of tan inverse of x is 1 upon 1 plus x square, but यहाँ पे हमारे पास 5x है तो यहाँ पे आएगा 1 upon 1 plus 5x square. Again apply chain rule d by dx of 5x, which is equal to minus derivative of 5x is 5, 5 into 2 is 10 divided by 1 plus 5x square. Clear? Yeah. Homework question first. This one, tan inverse of x minus a upon x plus a. Y is equal to tan inverse of x minus a divided by x plus a. Okay. So divide this equation by x, x minus a divided by x, x plus a divided by x. यहाँ पे क्या मिलेगा, tan inverse of, denominator separate करोगे तो 1 minus a by x divided by 1 plus a by x, correct? अब ये इस form में है, tan inverse of x minus y divided by 1 minus xy is equal to tan inverse of x minus tan inverse of y. Here x is 1, okay, and y is a by x. Check out, x equal to 1 and y is equal to a minus a divided by x, correct? So formula yahan pe banega, it is equal to tan inverse of x, that is 1, minus tan inverse of a by x. Okay, ab differentiate karo with respect to x, dy by dx is equal to d by dx of tan inverse of 1 minus d by dx of tan inverse of a by x. Ye constant term hai, 0 ho jayega. माइनस
वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे एक्स की जगह पे ए बाय एक्स है, सो ए बाय एक्स स्क्वायर, अगेन अप्लाई चेन रूल, डी बाय डी एक्स ऑफ ए बाय एक्स, विच इज इक्वल टू माइनस वन अपॉन वन प्लस ए बाय एक्स स्क्वायर इंटू, टेक ए आउटसाइड, ए इज कॉन्स्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ वन बाय एक्स, डी बाय डी एक्स ऑफ वन बाय एक्स इज नथिंग बट वन अपॉन माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर. ओके, तो ये क्या मिलेगा, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एंड देन सिंप्लीफाई करना. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 10, सेवेंथ वन. ओके, सेवेंथ वन भी ऐसे ही है, डिनोमिनेटर में वन नहीं है हमारे पास, तो हमें वन चाहिए, तो क्या करना है, वेट. वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ ए प्लस बी टैन एक्स डिवाइडेड बाय बी माइनस ए टैन एक्स. ओके, तो सिंस टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाय वन माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टैन इनवर्स ऑफ वाई, करेक्ट. अब डिनोमिनेटर में हमको वन चाहिए, हमारे पास यहाँ पे वन नहीं है, तो क्या करना है, ये बी को वन में कन्वर्ट करो. तो कैसे करोगे, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में बी से डिवाइड करो. दिस इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ ए प्लस बी टैन एक्स डिवाइडेड बाय बी माइनस ए टैन एक्स फुल डिवाइडेड बाय बी. ओके, अब डिनोमिनेटर सेपरेट करो, टैन इनवर्स ऑफ ए बाय बी प्लस टैन एक्स, करेक्ट, ये हो जाएगा वन माइनस ए बाय बी टेन एक्स, हो गया कन्वर्ट. एक्स इज योर ए बाय बी, वाई इज टेन एक्स, एंड नीचे दोनों का मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला अप्लाई करो. कर लोगे अगेन, दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ए बाय बी प्लस टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स, विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ ए बाय बी प्लस एक्स. डिफरेंशिएट करोगे तो ये जीरो हो जाएगा, यहाँ पे वन. ओके, तो एनीथिंग एल्स? होमवर्क क्वेश्चन फोर्थ. This one. Okay. कैसे करोगे, सबसे पहले हमको वन चाहिए यहाँ पे, तो क्या करना है, वन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करो. किसी ने किया है सॉल्व? एनीवन? ओके, क्या आंसर मिला तुम लोग को? दिस इज इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ
5x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 1 ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करो तो ये क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 3 माइनस एक्स माइनस 6x स्क्वायर, ओके, विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाय, अभी ये 1 हमें चाहिए, ये वाला रिक्वायर्ड नहीं है, तो इसके साथ सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 माइनस एक्स माइनस 6x स्क्वायर, ओके, विच इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 5x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1, टेक माइनस माइनस साइन कॉमन निकालो इन तीनों में से, तो ये क्या आ जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करो, ठीक है, 6x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 विच इज इक्वल टू 6 2 12, माइनस करने पे 1 चाहिए, 4 एंड 3, सो 6x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2 विच इज इक्वल टू, टेक 2x कॉमन, 3x प्लस 2 माइनस 3x प्लस 2 विच इज इक्वल टू 3x प्लस 2, 2x प्लस 1, सॉरी 2x माइनस 1, करेक्ट, ओके, ये हो गया तुम्हारा x, ये हो गया तुम्हारा y। अब नीचे तुम्हारा नेगेटिव साइन है ऑलरेडी, मीन्स न्यूमरेटर में तुमको x प्लस y चाहिए, करेक्ट, तो पहले चेक करो कि x प्लस y करने पे 5x प्लस 1 मिल रहा है कि नहीं, 3x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5x प्लस 1, ठीक है, अब रिप्लेस करो, y इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 3x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3x प्लस 2 2x माइनस 1। अब फॉर्मूला अप्लाई करो, दिस इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 3x प्लस 2 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 2x माइनस 1, कर लोगे आगे का, ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ओके, हेलो, हेलो मिस, हाँ, हेलो मिस मिस, वो पीछे वाला पेज दिखा हो ना, थर्ड और सेकंड पिछले वाले क्वेश्चंस का आंसर। दिस वन, यस मिस, वेट, मिस इसको यहीं पे छोड़ देना, टैन इनवर्स ए बी। नहीं, इसको डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएट, अभी हमने सिर्फ सिंपलीफाई किया ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये क्या मिलेगा, डीवाई बाय डीएक्स इक्वल टू, मिस ये तो 0 हो जाएगा प्लस 1, हाँ बोलो, टैन इनवर्स, ओके मिस समझ गए, ओके ओके मिस। डन, यस मिस, या सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्क्रीन ब्लर है, वेट एडजस्ट करती हूँ, अब ठीक है, सो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ओके, ये कब यूज करते हैं हम, यूज दिस मेथड व्हेन द कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन गिवन व्हिच इन्वॉल्व प्रोडक्ट कोएफिशिएंट्स एंड पावर्स, मीन्स व्हाट, कि अगर तुमको कोई कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन दिया है, टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, डिवीजन में है, पावर्स में है, तब तुमको ये मेथड यूज करना है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सपोज दो टर्म का मल्टीप्ल, दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन दिया है, वाई इज इक्वल टू साइन एक्स इन टू कॉस एक्स,
मेरी स्क्रीन ब्लर है क्या? नेटवर्क मैम फाइन यस ओके। सो अगर मुझे दो फंक्शंस का मल्टीप्लिकेशन दिया है तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं? यू इनटू वी रूल अप्लाई करते हैं, करेक्ट। बट अगर मेरे पास बहुत सारे फंक्शन है, y इज इक्वल टू सपोज x स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर log x डॉट sin 2x इंटू cos x, इसमें अगर हम u इंटू v रूल अप्लाई करेंगे तो वो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, करेक्ट। इंस्टेड ऑफ दिस अगर मैंने दोनों साइड log अप्लाई किया, log ऑफ y इज इक्वल टू log ऑफ दिस, तो मैं यहाँ पे रूल अप्लाई कर सकती हूँ log m into n is equal to log m plus n। तो ये मेरे पास फंक्शन क्या हो जाएगी, log x square plus 3 square plus log of log x plus log of sin 2x। That means मैं हर एक फंक्शन को log से सेपरेट कर सकती हूँ, करेक्ट। सिमिलरली अगर मेरे पास बहुत सारे फंक्शन डिविजन में हैं, तब भी अगर मैंने log अप्लाई किया तो सिंप्लीफाई हो जाएगा, करेक्ट। तो ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन में हम लॉग अप्लाई करते हैं। सेकेंडली अगर तुमको फंक्शन रेस टू फंक्शन दिया है, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स रेस टू जी ऑफ एक्स, फॉर एग्जाम्पल साइन एक्स रेस टू कॉस एक्स, तो इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला नहीं है, करेक्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, log अप्लाई करेंगे, log y इज इक्वल टू log ऑफ साइन एक्स रेस टू कॉस एक्स, देन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सिंस log m रेस टू n इज इक्वल टू n log m, तो ये क्या हो जाएगा cos x इंटू log साइन एक्स, एंड देन डिफ्रेंशिएट करेंगे, ओके। दैट मीन्स अगर तुमको फंक्शन रेस टू फंक्शन दिया है तो क्या करना है, लॉग अप्लाई करो बोथ साइड, जो पावर में फंक्शन है वो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, जी ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, एंड देन डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, समझा क्या करना है? एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.3। मैम एक बार रिपीट करो ना। हाँ, हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सी एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड 1, y इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 इंटू 5 माइनस 2x स्क्वायर। नाउ सी ये फंक्शन कितना कॉम्प्लिकेटेड है, यहाँ पे डायरेक्टली हम u डिवाइडेड बाय v वाला रूल अप्लाई नहीं कर सकते, करेक्ट। तो क्या करना है, अब यहाँ पे log अप्लाई करो ऑन बोथ साइड, बिकॉज log क्यों अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो टर्म्स है वो मल्टीप्लीकेशन में है, डिविजन में है, एंड पावर में है, ठीक है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 4x माइनस 1 प्लस साइन एक्स, अगर मुझे एडिशन में टर्म्स दिए हैं तो उस टाइम पे डायरेक्टली लॉग अप्लाई नहीं कर सकते, ओके। सो यहाँ पे लॉग अप्लाई करो बोथ साइड, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 5 माइनस 2x स्क्वायर रेस टू 1/3, ओके। नाउ यहाँ पे रूल अप्लाई करो, दिस लॉग m रेस टू n इक्वल टू n लॉग m, 1/3 आगे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, 1/3 इंटू log 4x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 3 5 माइनस 2x स्क्वायर, ओके। अब रूल अप्लाई करो log m बाय n के लिए, सिंस
log m by n is equal to log m minus log n. करेक्ट. तो ये टर्म क्या आ जाएगा, log of 4x minus 1 minus log of this, ठीक है, which is equal to 1 by 3 log of 4x minus 1 minus log of 2x plus 3 into 5 minus 2x square. ओके, अब यहाँ पे वापस देखो, m into n के फॉर्म में है, अप्लाई करो, log m into n is equal to log m plus log n, ठीक है, so ये क्या हो जाएगा, 1 by 3 log of 4x minus 1 minus log of 2x plus 3. अब माइनस से ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं तो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है, 5 minus 2x square. This is again in the form of log m raised to n is equal to n log m. This is equal to 1 by 3 log 4x minus 1 minus log 2x plus 3 minus 2 log 5 minus 2x and log y. ठीक है, अब सिंप्लीफाई हो गया फंक्शन. नाउ डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग वाई विच इज इक्वल टू 1 बाय 3 इज कॉन्स्टेंट, डी बाय डी एक्स ऑफ अप्लाई डेरिवेटिव टू ईच टर्म, डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग 4x माइनस 1 माइनस d by dx of log 2x plus 3 minus 2 into d by dx of log 5 minus 2x. Okay. अब LHS में देखो, derivative of log x is 1 by x. Correct. But यहाँ पे x के जगह पे y है हमारे पास. तो ये हो जाएगा 1 upon y. Again apply chain rule dy by dx, which is equal to 1 by 3. Derivative of log 4x minus 1 is 1 upon 4x minus 1. Apply chain rule d by dx of 4x minus 1 minus 1 upon 2x plus 3 d by dx of 2x plus 3 minus 2 upon 5 minus 2x d by dx of 5 minus 2x. ओके, नाउ ये जो डिनोमिनेटर में y है इसको इधर लेके आओ RHS में, dy by dx is equal to y by 3, 1 upon 4x minus 1, derivative of 4x minus 1 is 4, ठीक है, minus 1 upon 2x plus 3, derivative of 2x plus 3 is 2, minus 2 upon 5 minus 2x. Derivative of 5 minus 2x is minus 2. Since d by dx of 5 is 0, minus 2 is constant, dx by dx is 1. So, ye ho jayega minus 2. Y ki value re-substitute karo. Y is equal to cube root of 4x minus 1 divided by 2x plus 3 into 5 minus 2x square, 4 upon 4x minus 1 minus 2 upon 2x plus 3 minus minus plus 4 upon 5 minus 2x. Clear? समझा कैसे करना है? अगर टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में, डिविजन में, पावर में हो तो सबसे पहले क्या करना है, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड. लॉग अप्लाई करने के बाद तीन रूल यूज करना है तुम लोग को. First one is this one, log m by n, log m into n, log m raised to n. ये तीन formula use करके function को पहले simplify करना है, ठीक है? Simplify करने के बाद differentiate करो. Differentiate करने के बाद LHS में क्या मिलेगा? 1 by y dy by dx, हमेशा.
ठीक है, अब ये dy by dx क्यों मिला? Because जब log y को differentiate करोगे with respect to x, ये function हमारा x के form में नहीं है, but हम with respect to x differentiate कर रहे हैं. सबसे पहले formula apply करो same, 1 upon y, फिर chain rule apply करो dy by dx. ठीक है, LHS में हमें dy by dx चाहिए, इसीलिए इस y को यहाँ पे RHS में लेके जाओ and y की values re-substitute करो. ओके, थर्ड लास्ट स्टेप, दिस वन क्लियर? हेलो मिस. हाँ मिस, इसमें से ये बताओ ना कौन से स्टेप्स इम्पोर्टेंट है, अगर बीच में से कोई स्टेप इधर मतलब गायब किया तो. रिक्वायरमेंट इन द सेंस बोर्ड एग्जाम के हिसाब से स्टेप्स इम्पोर्टेंट है जिस पे मार्क्स रहता है, क्योंकि ये थोड़ा मैं जल्द मतलब घाई घाई में थोड़ा दो तीन स्टेप स्किप हो जाता है, जैसा आप करते हो वैसा मैं नहीं कर पाता. ओके, तो स्किप करने के लिए तो फिलहाल तो मैंने स्किप किए ही है शायद, है ना, मैंने डायरेक्टली यहाँ पे सेपरेट कर दिया है. मिस ये सब अभी इसमें से कुछ स्किप नहीं हो सकता. हाँ, रीजन सब लिखना जरूरी है, लॉग का इसका फॉर्मूले इसका लॉग m इनटू m लॉग m बाय n. वैसे तो इतना जरूरी है नहीं, इसमें नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ये सिर्फ तुम्हारे कन्वीनियंस के लिए मैंने लिखा. ओके, है ना. Anything else? Okay, so I hope now you can solve first one. First is y is equal to x plus 1 square divided by x plus 2 cube x plus 3 raised to 4. ओके, तो यहाँ पे भी सेम, जब तुम लॉग अप्लाई करोगे तो क्या करना है, अभी पावर इंडिविजुअल टर्म में है तो पावर सबसे पहले अलग नहीं कर सकते, पहले m बाय n का फॉर्मूला अप्लाई करो, लॉग m बाय n टर्म सेपरेट करो, देन इन दो टर्म के लिए लॉग m इंटू n अप्लाई करो, n उसके बाद लॉग m रेज टू n कर लोगे. ट्राई करो, नहीं आया तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लेना. ठीक है, थर्ड वन, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेज टू 3 बाय 2 इंटू साइन क्यूब 2x इंटू 2 रेज टू एक्स स्क्वायर. ओके, नाउ यहाँ पे तीन फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है एंड सबके पावर में कुछ ना कुछ है, तो क्या करना है, लॉग अप्लाई करो, लॉग y इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेस टू 3 बाय 2 इंटू साइन क्यूब 2x इंटू 2 रेस टू एक्स स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3 रेज टू 3 बाय 2 प्लस लॉग साइन क्यूब 2x प्लस लॉग 2 रेज टू एक्स स्क्वायर. ओके, देन अप्लाई दिस फॉर्मूला, लॉग एम रेज टू एन इज इक्वल टू एन लॉग एम विच इज इक्वल टू 3 बाय 2 इन टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 3 प्लस 3 इन टू log sin 2x, करेक्ट, प्लस अब यहाँ पे देखो 2 के पावर में है x square, तो ये x square आगे लेके आओ, x square into log 2. ठीक है, अब डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d by dx of log y
which is equal to 3 by 2 d by dx of log x square plus 3 plus 3 is constant 3 into d by dx of log sine 2x plus here log 2 is constant log 2 into d by dx of x square. Okay. LHS में क्या मिलेगा 1 upon y into dy by dx which is equal to 3 by 2 into derivative of log x square plus 3 is 1 upon x square plus 3 apply chain rule d by dx of x square plus 3 plus 3 upon derivative of log sine 2x is 1 upon sine 2x again apply chain rule d by dx of sine 2x plus log 2 into derivative of x raised to n is n into x raised to n minus 1. यहाँ पे chain rule नहीं आएगा because directly हमारे पास formula है x raised to n के लिए. So ये क्या हो जाएगा 2x. Correct? D by dx equal to ये y को इधर लेके जाओ y into 3 by 2 x square plus 3. Now, derivative of x square is 2x and derivative of 3 is 0 plus 3 upon sine 2x. Derivative of sine x is cos x. So, cos 2x, again apply chain rule d by dx of 2x plus 2x into log 2. y की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करो एंड इसको डिफरेंशिएट करो y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 3 रेज टू 3 बाय 2 इनटू sin क्यूब 3 2x इनटू 2 रेज टू x स्क्वायर दिस इज यहां पे 2 2 कैंसिल हो जाएगा 3x अपॉन x स्क्वायर प्लस 3 देन cos 2x by sin 2x is cot 2x. अगर चेंज नहीं करना है तो भी चलेगा. डेरिवेटिव ऑफ 2x इज 2. 2 into 3 is 6. Divided by cos 2x divided by sin 2x. Okay. And last term is 2x into log 2. समझा? हेलो मिस. हाँ मिस, अगर पेज में स्पेस ही नहीं बचा तो क्या करने का? हॉरिजॉन्टली तो नीचे नीचे लिखो ना. वो ऐसा माइनस डाल के नीचे लिख दिया तो चलेगा? हाँ अच्छा ठीक, बस क्लियरली लिखना साफ साफ. हेलो मिस, तो पता चले कि क्या लिखा. हेलो. हाँ मैम, आप ये लास्ट स्टेप में आपने ये बाहर क्या लिया, वाई लिया? ये वाला नहीं, ये बाजू वाला. दिस वन मैम? नीचे वाला, नीचे वाला, जस्ट नीचे यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में. हाँ मैम. हाँ तो ये जो LHS में था ना 1 upon y dy by dx, बट हमको हाँ. क्या चाहिए LHS में? सिर्फ dy by dx चाहिए क्योंकि हमको y को डिफरेंशिएट करना है. करेक्ट? यस मैम. तो ये जो 1 upon y था, मैं y को सिर्फ यहाँ पे लेके आई हूँ मल्टीप्लिकेशन में, बिकॉज यहाँ पे डिविजन में था. देन उसके बाद री सब्स्टिट्यूट करो इसकी वैल्यू. So question number 4th and 5th homework. Wait, screen blur ho gayi na shayad.
ओके फोर्थ एंड फिफ्थ होमवर्क. सिक्स्थ वन इज y इज इक्वल टू x रेज टू tan इनवर्स ऑफ x. ओके अब ये किस फॉर्म में है? y इज इक्वल टू f ऑफ x रेज टू g ऑफ x. अब यहाँ पे फॉर्मूला ये नहीं अप्लाई करना डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू n इज इक्वल टू n x रेज टू n माइनस वन. हियर n इज अ कॉन्स्टेंट नंबर, ठीक है, एंड यहाँ पे tan इनवर्स ऑफ एक फंक्शन है. अगर x के जगह पे कोई फंक्शन होता है f ऑफ x रेज टू n, तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं. बट अगर फंक्शन रेज टू फंक्शन है तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं होगा. ठीक है, तो क्या करना है? लॉग अप्लाई करना है बोथ साइड. ट्राई करो. हेलो मिस. हाँ मैम, यहाँ पे ये x स्क्वायर प्लस 3 के पावर में 3 बाय 2 कहाँ से आ गया? वेर? यहाँ पे मैम 3 बाय 2. मैम स्टार्टिंग में यहाँ पे हाँ. अरे ये हमने सिर्फ y की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट किया है. यहाँ पे जो y था ना, हाँ, हमें x के टर्म्स में आंसर चाहिए, करेक्ट? हाँ. तो ये जो y की वैल्यू है वो रीसब्स्टिट्यूट करो, मतलब जो क्वेश्चन दिया है उसी को सब्स्टिट्यूट करना है. ओके ओके ठीक है. आयुष वाई की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की है. Apply log on both sides. Then formula apply karo. Log m raised to n is equal to n log m. Tan inverse of x aage aa jayega. Tan inverse of x into log x milega. Then differentiate with respect to x on both sides. हो गया. विवेक यस मिस. हेलो. हाँ किया सॉल्व? नहीं मिस, वो डिफरेंशिएट कर रहा हूँ अभी. ओके कैसे करोगे डिफरेंशिएट? वन बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स. देन इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स का एक्स स्क्वायर एक्स. RHS में बताओ क्या आएगा. हेलो. हाँ वेट मिस, ये दो फंक्शन अभी मल्टीप्लिकेशन में है, करेक्ट? हाँ. यहाँ पे u इंटू v रूल अप्लाई करो.
एट मिस डेरिवेटिव ऑफ यू इनटू वी क्या आता है? विवेक मिस नहीं समझ रहा, तो मुझे फॉर्मूला बताओ। डी बाय डी एक्स ऑफ यू इंटू वी फॉर्मूला नहीं याद? डोंट टेल मी फॉर्मूला नहीं याद। इलेवेंथ में भी किया था, स्टार्टिंग से हम यूज करते आ रहे हैं डेरिवेटिव ऑफ यू इंटू वी। मैंने बताया भी था इसको याद कैसे रखना है। पहला टर्म लो मल्टीप्लीकेशन में, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव लो, देन सेकेंड टर्म लो और पहले टर्म का डेरिवेटिव लो। याद आया? हाँ, u dv by dx plus v du by dx। हाँ, तो यहाँ पे u क्या है? tan inverse of x, v is log x। log x। हाँ, तो फॉर्मूला अप्लाई करो तो ये क्या हो जाएगा, tan inverse of x d by dx of log x प्लस लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स। करेक्ट? एल एच एस में बताओ डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग वाई क्या मिलेगा? बट मिस डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स। हेलो मिस, वो लॉग वाला नहीं लगा सकते इसमें? यहाँ पे हाँ, यहाँ पे दो ही फंक्शन है ना, सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, सो यू इनटू वी रूल अप्लाई करो। मैं बताती हूँ log अगर अप्लाई करोगे तो भी क्या होगा, ठीक है? 1 by x derivative of log x। यहाँ पे बताओ, अभी मैं किससे बात कर रही हूँ? मुझसे विवेक। हाँ, ओके, सो LHS 1 by y dy by dx। ओके, RHS tan inverse of x 1 by x plus log x and tan inverse ka 1 upon tan n na? No, 1 upon 1 plus x square. Haan, 1 upon 1. ठीक है? Okay, now अभी क्या करना है, ये y यहाँ पे division में, यहाँ पे multiplication में लेके जाओ, dy by dx equal to, मैं y की वैल्यू डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ, x tan इनवर्स ऑफ x, tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय x प्लस log ऑफ x प्लस दिस। ओके, या सो अब जो लोग बोल रहे थे कि यहाँ पे log अप्लाई करना है वापस, करेक्ट? सो वैल्यू क्या है हमारे पास, log ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x इंटू लॉग ऑफ एक्स। अगर यहाँ पे वापस से लॉग अप्लाई करोगे, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, ये क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ लॉग वाई विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स इंटू लॉग एक्स विच इज इक्वल टू लॉग ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस लॉग ऑफ लॉग एक्स। करेक्ट? अब डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बट एलएचएस में क्या मिलेगा अभी, डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग वाई इक्वल टू डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस डी बाय डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। ओके, so this is equal to 1 upon log y, correct? वापस से chain rule apply करो, d by dx of log y which is equal to, यहाँ पे क्या मिलेगा, 1 upon tan inverse of x d by dx of tan inverse of x plus 1 upon log x d by dx of log x।
इज आस्किंग ऐसा क्यों करना. ओके सो अमन, कुछ स्टूडेंट्स ने पूछा था कि मैं यहाँ पे यू इनटू वी रूल अप्लाई करने के जगह पे वापस से लॉग क्यों नहीं अप्लाई कर सकती. मैं वही बता रही हूँ, ठीक है. तुम लॉग अप्लाई कर सकते हो लेकिन ये प्रोसेस फिर वापस से लेंदी हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे देखो अभी ये हो जाएगा वन अपॉन लॉग वाई इंटू डेरिवेटिव ऑफ लॉग वाई इज वन अपॉन वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स विच इज इक्वल टू tan inverse of x is derivative is 1 plus x square 1 upon 1 plus x square plus 1 upon log x derivative of log x is 1 upon x. अब क्या करना है, ये y and log y को इस इधर लेके आओ, तो dy by dx is equal to y into log y 1 upon 1 plus x square tan inverse of x. हेलो मिस. प्लस हाँ मैम, वो टैन इनवर्स ऑफ एक्स का डेरिवेटिव क्या लिया है आपने? वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर. वो कैसे आएगा मैम? सी यहाँ पे क्या था, लॉग ऑफ टैन इनवर्स ऑफ एक्स था ना. हाँ हाँ, तो डेरिवेटिव पहले क्या आएगा, लॉग एक्स का फॉर्मूला पहले अप्लाई करेंगे वन अपॉन एक्स, देन वापस मैंने चेन रूल अप्लाई किया क्योंकि एक्स के जगह पे टैन इनवर्स ऑफ एक्स है, ठीक है समझा मैम? लेकिन वो लास्ट स्टेप 1 plus x square कैसे है वो नहीं समझा. ये वाला? हाँ. डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ x इज 1 upon 1 plus x square, मैंने दोनों को साथ में लिख दिया बस. अब समझ आया? सी ये वाला टर्म सॉल्व करो, d by dx ऑफ log of tan inverse of x which is equal to derivative of log x is 1 upon x, so 1 upon tan inverse of x, but x ke jagah pe tan inverse x hai, so isliye wapas chain rule apply karo, d by dx of tan inverse of x 1 upon tan inverse of x, derivative of tan inverse of x is 1 upon 1 plus x square. maine bas dono ko sath mein likha hai yahan pe. ab samajh aaya? ओके, नाउ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो. वाई क्या है, एक्स रेज टू टैन इनवर्स ऑफ एक्स. लॉग ऑफ वाई क्या है, टैन इनवर्स ऑफ एक्स इनटू लॉग एक्स. टैन इनवर्स ऑफ एक्स इनटू लॉग एक्स वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर टैन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स लॉग एक्स, ठीक है. अब ये टर्म को अगर अंदर लेके जाओगे तो तुमको वैल्यू यही मिलेगा. ठीक है, क्लियर. Tushar, your doubt, is it clear or not? Okay. So next one is, see, last two question. One is y is equal to sin x raised to x. Hello miss. हाँ. Miss वो last step में x raised to tan inverse of x वापस कैसे आ गया? यहाँ पे. Yes. हाँ. तो LHS में क्या था हमारे पास? Miss ये वाला method नहीं, miss वो u into v वाले method से मैंने किया. यहाँ पे. Yes.
तो यहाँ पे LHS में 1/y था ना, इसको यहाँ पे लेके आओ RHS में, तो ये क्या हो जाएगा? मैंने यहाँ पे एक स्टेप नहीं लिखा है, dy by dx is equal to y into tan inverse of x divided by x plus log of x divided by 1 plus x square. अब y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, y is nothing but जो तुम्हारा क्वेश्चन दिया है वही. समझा मैं समझा, ओके थैंक यू. सो क्वेश्चन नंबर 7th is y is equal to sin x raised to x and 8th is y is equal to sin x raised to x. See, दोनों में बहुत डिफरेंस है. यहाँ पे क्या है, पहले sin x एक फंक्शन है, देन इसके पावर में भी एक फंक्शन है, दैट इज x. ठीक है, एंड यहाँ पे क्या है, y is equal to sin, इसका एंगल जो है वो फंक्शन रेस टू फंक्शन है, f of x रेस टू g of x. समझा दोनों में क्या डिफरेंस है? ओके, सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, लॉग अप्लाई करो बोथ साइड, लॉग ऑफ y इज इक्वल टू लॉग ऑफ साइन x रेस टू x विच इज इक्वल टू, अब ये जो पावर x है इसको यहाँ पे लेके आओ मल्टीप्लीकेशन में, x इंटू लॉग ऑफ साइन x. अब इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो इजीली, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, x इंटू लॉग साइन x है सिंपल फंक्शन, u इंटू v रूल अप्लाई करो बोथ साइड, कर लोगे? इसको नोट कर लो यहाँ तक, इसके आगे का होमवर्क. ठीक है, डिफरेंशिएट बोथ साइड, यहाँ पे u इंटू v रूल अप्लाई करो एंड यहाँ पे ये हो जाएगा 1/y dy by dx. लिख लिया, ओके. अब एट वन क्या है, देखो y इज इक्वल टू साइन x रेस टू x, तो सबसे पहले क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे साइन फंक्शन के लिए. ठीक है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equal to d by dx sin x raise to x. Okay, ये इसका एंगल है, फिलहाल इसको भूल जाओ, डेरिवेटिव अप्लाई करो sin x के लिए, डेरिवेटिव ऑफ sin x इज cos x, करेक्ट, तो ये हो जाएगा cos x raise to x d by dx of x raise to x, चेन रूल अप्लाई करो. अब हमें क्या फाइंड करना है, डेरिवेटिव ऑफ दिस x raise to x. Now here we cannot apply this formula, d by dx of x raised to n is nx raised to n minus 1. हम ये apply नहीं कर सकते यहाँ पे, because x raised to x is function raised to function है, और n यहाँ पे क्या है, constant values. ठीक है, तो इसका derivative हम separately find करेंगे. This is equation number 1. Suppose consider u is equal to x raised to x. अब इसका डेरिवेटिव मुझे फाइंड करना है, तो क्या करना है, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, लॉग u is equal to log x raised to x, which is equal to x यहाँ पे आगे लेके आओ मल्टीप्लीकेशन में, x into log x equal to log u. अब डिफरेंशिएट करो बोथ साइड, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, d by dx of log u is equal to, यहाँ पे u into v रूल अप्लाई करो, x into d by dx of log x plus log x into d by dx of x, which is equal to x, यहाँ पे डेरिवेटिव क्या आएगा, 1/u into x के जगह पे u है इसीलिए वापस चेन रूल अप्लाई करो, du by dx. RHS में डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1/x plus log x, derivative of x is 1. Correct? अभी ये u जो यहाँ पे denominator में, इसको RHS में लेके जाओ multiplication में,
बिकॉज हमको यहाँ पे डेरिवेटिव ऑफ यू चाहिए, डी यू बाई डी एक्स. तो दिस इज इक्वल टू यू इन टू एक्स बाई एक्स इज वन प्लस लॉग एक्स. यू इज नथिंग बट एक्स रेज टू एक्स, करेक्ट. सो दिस इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स वन प्लस लॉग एक्स डी यू बाई डी एक्स. सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन वन. ठीक है, हमने ये वैल्यू सेपरेटली फाइंड कर लिया है, डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेज टू एक्स. वो वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो तो क्या मिलेगा, dy by dx is equal to cos of x raised to x into x raised to x 1 plus log x. समझा कैसे करना है? No, sin 2x is not x raised to x. Yeah, yahi final answer. Ma'am, ek baar fir se matlab batao na. Okay, see, tumko dono function mein difference samajh aaya kya hai? यहाँ पे हमको डायरेक्टली फंक्शन रेज टू फंक्शन दिया है, तो हमने डायरेक्टली लॉग अप्लाई किया एंड देन उसके बाद डिफरेंशिएट करो इन क्वेश्चन नंबर 7. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है कि साइन के अंदर जो फंक्शन है वो हमें फंक्शन रेज टू फंक्शन के फॉर्म में दिया है. तो यहाँ तक तो हम सॉल्व कर सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ साइन फंक्शन के लिए. ठीक है, तो मैंने पहले लॉग अप्लाई नहीं किया है, डिफरेंशिएट करो ऑन बोथ साइड. यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स के लिए. डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस एक्स रेज टू एक्स. अगेन जब हम चेन रूल अप्लाई करेंगे तो ये क्या मिलेगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एक्स. ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते बिकॉज ये फंक्शन रेज टू फंक्शन है. तो इसको सेपरेटली कंसिडर करो इस फंक्शन को, यू या कोई भी वेरिएबल जो तुमको लेना है. So, मैंने कंसिडर किया यू इज इक्वल टू एक्स रेज टू एक्स. इसका डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, लॉग अप्लाई करो. जब भी फंक्शन रेज टू फंक्शन होगा लॉग अप्लाई करना है बोथ साइड. लॉग अप्लाई करने के बाद ये एक्स आगे आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, देन ये इस फॉर्म में आ गया यू इन टू वी लॉग. ओके, नाउ डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एल एच एस में क्या मिलेगा, वन अपॉन यू डी यू बाई डी एक्स. RHS में अप्लाई करो डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी. ठीक है, सिंप्लीफाई करो तो ये मिलेगा मुझे 1 प्लस लॉग एक्स. यहाँ पे जो u डिनोमिनेटर में था RHS में लेके आओ मल्टीप्लीकेशन में, एंड देन u की वैल्यू रीसब्स्टिट्यूट करो x रेज टू x 1 प्लस लॉग एक्स. ठीक है, अब तुमको ये जो है वैल्यू मिली d बाई डी एक्स ऑफ x रेज टू x, करेक्ट. वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे इक्वेशन वन. ठीक है, ओके मैम, थैंक यू. एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग एल्स? मिस एक डाउट है. हाँ पूछो. मिस वो आपने जो होमवर्क दिया था उसका आंसर एक बार दिखाओ ना प्लीज, फर्स्ट वाले का. फर्स्ट क्वेश्चन के वेट ढूंढना पड़ेगा, कहाँ लिखा था. दिस वन आई गेस, यही वाला ना. यस.